मेरा नाम वाल्मीकि है और मैं उड़ीसा से हूँ। और पहला दिन मैं आईसी रिवॉल्विंग किया और सेकेंड दिन यूनिवर्सल टेंसिल से आईसी रिवॉल्विंग किया एंड थर्ड दिन पावर आईसी को निकल के वापस लगाया एंड चौथा दिन सीपीओ को चार बार उठा के लगाया। और अभी मैं ग्राफिक आईसी को भी उसका डायग्राम बनाया हूँ जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं, ये सीपीओ है। सीपीओ से दो लाइन एसटी है एंड एसकेएल 1.8 वोल्ट 1.8 वोल्ट आता है और डीसी टू डीसी आईसी से 4 वोल्ट अपना स्विचिंग के लिए और मेन इनवोल्ट में दो जगह पे 4 वोल्ट इन आता है और उसका आउटपुट जो आता है वो बैटरी कनेक्टर और चार्जिंग अपने जो डिस्प्ले कनेक्टर में उसका आउटपुट ये +5 और -5 वो आता है। ईएन भी आता है ना? ये सर ईएन भी आता है और पावर आईसी से अपने 1.8 वोल्ट कनेक्टर में मिल जाए और डीसी टू डीसी जो आता है वो स्विचिंग के लिए और एक वीएन होता है और 2 पॉइंट जो ऑयल रहते हैं वो ग्राउंड में जाते हैं और जो चार्जिंग सीएनसीपी वो अपना चार्जिंग कंट्रोल करता है चार्जिंग पंप का सीएनसीपी और जो एसटीएल एसडीएल वो सीपीओ से अपना आईसी में आता है ग्राफिक आईसी में आता है। तो उसको मैंने अब जो प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल में क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। यस सर, हमें डीएसओ से फ्रीक्वेंसी चालू करो। डीएसओ में फ्रीक्वेंसी आएगा। आजा इधर, आजा आजा, कोई दिक्कत नहीं, आजा बगल में आजा आजा। आप डिस्प्ले पहले सबसे पहले दिखाइए, डिस्प्ले आ रहा है? ये देखिए, लॉक खोल लीजिए उसका। वेरी गुड, ठीक है। आप दिखाइए सर, आप वीडियो से आपको चेकिंग करके दिखाऊंगा। आप देख रहे हैं, वीडियो से चेकिंग कर रहा हूँ। वीडियो को देखिए, जैसा देख सकते हो आप, ये इसका जो क्लॉक जो आ रहा है यहाँ पर स्विचिंग की आपको यहाँ पे लाइनिंग दिखाई दे रही है आपको डीएसओ की। ये डीएसओ का लाइन है जो स्विचिंग हो रहा है, ये जगह पे आप देख पा रहे होंगे जो मैं प्रैक्टिकल में दिखा रहा हूँ आपको, वो हम डीसी में चेक कर रहे हैं और उसमें स्विचिंग भी हो रहा है और फ्रीक्वेंसी भी आ रहा है। थैंक्स फॉर एशिया टेलीकॉम एंड टीम। तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गया? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिवॉल्व भी किए, उसको लगाए भी पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल डेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गए। जाता हूँ, आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर सर, रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की। ये आपने किया? सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल डेकर क्या है? मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सीपीयू डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई आप। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर? डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया सर? डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल। प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता सर? बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया? डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया खुद से?
यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर, रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया सर सभी बच्चों ने। और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा ड्यूल सीपीयू। ड्यूल सीपीयू किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस। सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट।